थाना प्रभारी गोहरागंज उपनिरीक्षक राजकुमार चौधरी तथा उनकी टीम ने विगत एक माह पूर्व ग्राम बिनेका में हुई चोरी के आरोपी को गिरफ्तार करके चोरी किए गए लाखों की कीमत के सोने चांदी के आभूषण बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। 8 अप्रैल को ग्राम बिनेका थाना गोहरगंज अंतर्गत फरियादी दीनदयाल पवैया ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके 7 अप्रैल 2021 को किराएदार से जानकारी लगी कि घर का ताला और दरवाजा टूटा हुआ है। आकर देखा तो घर में अलमारी व अंदर के ताले टूटे हुए हैं और सामान फैला हुआ था। कोई अज्ञात चोर मेरे सोने मकान में रात्रि में घुसकर हमारे घर में रखे सोने चांदी के कीमती जेवरात चोरी करके ले गया। रिपोर्ट पर थाना गौहरगंज में चोरी का मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया। घटना में एक माह के अंतर्गत पर्दाफाश कर दिया गया। वहीं आरोपी राहुल नायक को गिरफ्तार करने और उससे करीब 3 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषणों को बरामद करने में थाना प्रभारी गोहरगंज उपनिरीक्षक राजकुमार चौधरी तथा उनकी टीम में शामिल उपनिरीक्षक संजय यादव, प्रधान आरक्षक राम मनोहर बोहरे, प्रधान आरक्षक महेंद्र सिंह तथा आरक्षक अमित शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक रायसेन मोनिका शुक्ला द्वारा इस बड़ी घटना के खुलासे तथा माल बरामदगी करने में सफलता प्राप्त करने पर टीम में शामिल सभी सदस्यों के इस सराहनीय कार्य की प्रशंसा करते हुए सभी को उचित पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई। ग्राम बिनेका में पिछले 8 अप्रैल को जो पवैया जी के घर में लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात चोरी हो गए थे, इसमें अपने थाना गोहरगंज में FIR की गई थी और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा विशेष निर्देश दिए गए थे कि इस मामले को जल्दी ट्रेस करना है, जिसके लिए टीम गठित की गई और जिसमें आप देख सकते हैं कि अच्छी सफलता प्राप्त की। हमारे गोहरगंज टीम में उपनिरीक्षक संजय यादव, प्रधान आरक्षक महेंद्र, प्रधान आरक्षक राम मनोहर बोहरे और आरक्षक अमित शर्मा द्वारा काफ़ी तलाश पतारसी करने के बाद आरोपी राहुल नायक, जो कि निवासी ग्राम जैतका है, इसके कब्जे से जे 4 लाख रुपए कीमती के जेवर बरामद किए गए हैं। कुछ जेवर इसके द्वारा गोल्ड लोन अब्दुल्लागंज में रख गए थे तथा कुछ इसने अपने घर के आंगन में छिपा कर रखे थे, जो कि बरामद कर लिए गए हैं। आरोपी को आज माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा।